हेलो एवरीवन, वेलकम टू द डिजिटल पाठशाला KML। उम्मीद करता हूँ सब अच्छे से होंगे। सो आज की वीडियो में हम बात करेंगे आपका क्लास थर्ड की इंग्लिश की पोएम के बारे में, जो कि गुड मॉर्निंग है, जो कि यूनिट फर्स्ट की पोएम है। तो मॉर्निंग जो होती है वो बहुत ही ज़्यादा क्या है, ऐसा मोमेंट होता है कि जब बहुत सारी चीज़ें हमें देखने को मिलती हैं जब हम उठते हैं, तो वो क्या क्या चीज़ें हैं जिसको देख कर हम जज कर पाते हैं कि सुबह हो गई है। तो वो सारी चीज़ें इस वीडियो के अंदर डिस्कस करी जाएंगी, लेकिन उससे पहले हम देखेंगे यहाँ पे कुछ आपके क्वेश्चन हैं जो कि यहाँ पे गिवन है। डू यू लाइक टू वेक अप इन द मॉर्निंग? सो ये क्वेश्चन पोएट कर रहा है बच्चे से, क्या तुम्हें सुबह में उठना पसंद है? वेकअप मीन्स उठने को कहते हैं। तो बहुत सारे बच्चों को उठना पसंद होता, बच्चों को नहीं होता। आप देखें, मम्मा आती हैं उठाने के लिए कि बेटा सुबह हो गई है, उठो जल्दी वरना स्कूल को लेट हो जाओगे, तो आपको बड़ा ऐसा इरिटेटिंग महसूस होने लगता है। आप चिड़चिड़ाना शुरू कर देते हैं कि मम्मा रुक जाओ थोड़ी देर और, लेट ने दो मुझे। लेकिन अगर संडे होगा तो आप बहुत जल्दी उठ जाते हैं। तो ये अलग अलग क्या है, हमारे इमोशंस रहते हैं मॉर्निंग को लेकर के, कि वो डे है कौन सा। तो ऐसा आपके साथ भी फील होता होगा। सी व्हाट द चाइल्ड इन द पोएम फील। तो यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि देखो कि जो बच्चा है वो क्या फील कर रहा है, वो क्या इसके इमोशंस हैं मॉर्निंग को लेकर के। तो वो सारी चीज़ें देखें इस वीडियो के अंदर। तो ये देख रहे हैं आप, डिफरेंट डिफरेंट आपकी इमेजेस इस पोएम में गिवन हैं। तो ये एक इंडिकेशन है कि क्या क्या चीज़ें आपको मॉर्निंग में आपको मिलती हैं देखने के लिए। सो वी विल रीड द पोएम हियर नाउ। गुड मॉर्निंग स्काई, गुड मॉर्निंग सन, गुड मॉर्निंग लिटिल विंड्स दैट रन, गुड मॉर्निंग बर्ड्स, गुड मॉर्निंग ट्रीज एंड क्रीपिंग ग्रास एंड ब्राउनी बीज, हाउ डिड यू फाइंड आउट इट वॉज डे, हु टोल्ड यू नाइट हैड गॉन अवे, आई एम वाइड अवेक, आई एम अप नाउ टू, आई विल बी राइट आउट टू प्ले विद यू। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि जो सुबह होती है तो क्या क्या चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। जैसे ही आप बेड से उठ के आते हैं तो बाहर आप देखते हैं कि जो आसमान है, जो स्काई है, वो बहुत ज़्यादा क्लियर है, बहुत ज़्यादा वाइटिश नज़र आ रहा है। तो ये एक क्या है, इंडिकेशन है कि सुबह हो चुकी है। और आसमान में आपको देखने को मिलेगा कि जो सन है जो बहुत ज़्यादा क्या हो रहा है ना, ब्राइट हो रहा है, येलो हो रहा है। तो सुबह सुबह का जो आपका जो सन होता है, जो सूरज होता है, वो बहुत ही अच्छा लगता है जब वो राइज करता है। तो उससे क्या है, हमें एक पॉजिटिव फीलिंग्स ही आनी शुरू हो जाती हैं। बहुत सारे लोग सूर्य नमस्कार भी करते हैं सुबह सुबह उठ करके, तो ये चीज़ें हमें देखने को मिलती हैं। तो कहीं ना कहीं एक वॉर्म्थ जो है, थोड़ी गर्माहट जो है, वो हमें सूरज से मिलना शुरू हो जाती है। तो ये एक पॉजिटिव एनर्जी का काम करता है कुछ लोगों के लिए। गुड मॉर्निंग लिटिल बर्ड्स दैट रन। और आप देखेंगे सुबह के अंदर जो हवा होती है वो कैसे ब्लो करती है, ब्लो कहते हैं बहने को या चलने को, तो बहुत ही स्मूथली वो, जो कि बहुत ज़्यादा कूल है, बहुत ज़्यादा फ्रेश है। तो सुबह में क्या होता है कि ना इतना ज़्यादा जो है ट्रैफिक होता है, तो आपको बहुत अच्छा फील होता है। बहुत सारे लोग मॉर्निंग वॉक करने जाते हैं सुबह सुबह, क्योंकि उस टाइम पे क्या होता है कि जो डस्ट है, जो पॉल्यूशन है, उतना नहीं होता है और बहुत ही अच्छा फील होता है। तो उससे हमें क्या है, एक एनर्जी सी या एक्साइटमेंट हमारा जो है, वो मोटिवेशन बहुत बढ़ जाता है। यहाँ पे देखें जो बर्ड्स हैं वो भी आपको नज़र आती हैं सुबह में। आप देखेंगे जो पेड़ों पर जो बर्ड्स हैं वो क्या कर रही हैं, चिरपिंग कर रही हैं, वो क्या कर रही हैं, आपका चहचहा रही हैं, गाना गा रही हैं, सिंग सॉन्ग करती हैं। ट्रीज़ भी आपको देखने को मिलते हैं जैसे आप बाहर आते हैं, तो आपको नेचर की बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो सुबह में देखने को मिलती हैं। उसके साथ साथ क्या कहा जा रहा है, जो क्रीपिंग ग्रास है, जो घास होती है, जो छोटी छोटी घास है जो अभी ग्रो होना शुरू हो रही है, क्रीपिंग कहते हैं छोटी को, जैसे जो कीड़ा होता है वो क्या करता है, रेंगता है हल्का हल्का करके, क्योंकि उसको वो इतना ज़्यादा साइज़ में बड़ा नहीं होता, तो उसका जो मूवमेंट है वो हल्के हल्के होता है। इसी तरीके से जो ग्रास है उसका जो मूवमेंट है, जो उसकी जो ग्रोथ है, वो इतनी ज़्यादा तेज़ नहीं है। तो बहुत से लोगों के घर में लॉन होते हैं या गार्डन होते हैं, वहाँ जाते हैं तो वो उस पर बैठते हैं, बहुत अच्छा सा उनको महसूस होता है। तो बिल्कुल वो अपने जो शूज़ होते हैं या जो स्लीपर्स होते हैं उनको उतार के, और नंगे पैर भी चलते हैं बहुत से लोग। एंड ब्राउनी बीज, तो बीज कहते हैं मधुमक्खी को, तो वो ब्राउन कलर की होती है, इसलिए यहाँ पर ब्राउनी कहा जा रहा है। तो आपको कभी कभी जो बीज होती हैं वो भी आपको देखने को मिल जाती हैं। अर्थात जो नाइट है वो क्या है, हेड गॉन अवे, गॉन अवे मीन्स चली गई है, मीन्स अब जो है क्या है, सुबह हो चुकी है, नाइट नहीं रही है। तो आप सब लोग अपने अपने कामों में लग जाएं। तो देखते हैं कि जो नाइट होती है तो उस टाइम पे आपको डार्कनेस, जो अंधेरा है, वो देखने को मिलेगा, स्टार्स मिलेंगे,
विजिबिलिटी जो है जो दिख रहा है वो कोई भी चीज़ वो इतनी इजीली आप नहीं देख पाते हैं। बहुत सारे लोग जो हैं वो आपको नहीं नज़र आएंगे, बहुत सारी चीज़ें रात में, लेकिन दिन में आप दूर तक की चीज़ें नज़र आ जाती हैं। तो ये सारी चीज़ें बताती हैं कि जो है दिन हो गया है और रात चली गई है। आई एम वाइड अवेक, और मैं भी क्या हो गया हूँ अब बिल्कुल जो है उठ के बिल्कुल एकदम अच्छे से खड़ा हो चुका हूँ, उठ चुका हूँ, अवेक हो चुका हूँ। आई एम अप नाउ, अब मैं खड़ा हो चुका हूँ और मैं तैयार हूँ, रेडी हूँ जो भी काम मुझे करना है। आई विल बी राइट आउट टू प्ले विद यू। तो अब मैं क्या है, मैं तैयार हो गया हूँ किसकी चीज़ के लिए, आपका खेलने के लिए, प्ले करने के लिए तुम्हारे साथ। तो संडे में या जो छुट्टी होती हैं तो हम फ्रेंड्स को बुला लेते हैं घर पर, या फ्रेंड्स हमारे घर पर आ जाते हैं और वो है ना कहते हैं कि आंटी या फिर जो अंकल हैं कि आप मेरे दोस्त को, या जो नाम होता है सोहन रोहन जो भी नाम होते हैं, तो आप उसको उठा दीजिए, हम खेलने जाएंगे। तो ये सारी चीज़ें जो हैं एक्सप्रेस करी गई हैं इस पोएम में मॉर्निंग से रिलेटेड। तो ये बहुत ही अच्छी पोएम है का। तो यहाँ देख सकते हैं न्यू वर्ड्स यहाँ पे गिवन है, क्रीपिंग अवे गॉन अवे। तो क्रीपिंग कहते हैं जो स्लो मूवमेंट होता है, जो ग्रोथ होती है किसी भी चीज़ की। अवे कहते हैं उठने को, गेटअप को, या फिर आपका जो यहाँ पे अवे कहा जा रहा है। गॉन अवे मीन्स दैट यू आर गोइंग नाउ, तो कोई चीज़ का चले जाना, दूर हो जाना आपका, मूव अवे। तो ये चीज़ें डिस्कस करी गई हैं आपका इस पोएम के अंदर। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। थैंक यू सो मच। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब दिस चैनल।